गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग 11th के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, क्या किस चीज के बारे में पढ़े थे? यूनिफिकेशंस के बारे में, रिडक्शंस के बारे में, ये सब का स्टडी कर लिया था 100%। आज हम लोग ये देखेंगे, और उससे पहले भी थ्योरी पढ़ लिया था, उसके बाद पढ़े हम लोग कि फिजिक्स का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशंस है, फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। दो वर्ड है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, नहीं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें बेसिक सब बातें हैं, तो लिखेंगे हम लोग रिलेशन, लिखते जाओ रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। हिंदी इसका होता है भौतिकी एवं तकनीकी, यह इसका नाम और भी है शिल्प विज्ञान। क्या नाम है इसका? शिल्प विज्ञान, और भी नाम है हिंदी में। एनसीईआरटी इसको लिखा है प्रौद्योगिकी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता टेक्निक तुम नहीं जानता है, नहीं उसी से बना है तकनीकी। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। फिजिक्स के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं कि फिजिक्स है क्या। अब हम लोग को फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में संबंध पता करना है। संबंध बताते हैं किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, हम ही लोग संबंध बताएंगे। कहेंगे ये मेरे मामा जी है, कैसे बताएंगे? किसके किसके बीच संबंध बताना होता है, ध्यान से देखिए, ये सब बातें सीखो। बहुत संबंध पढ़ना है हम लोग को इसमें। जो संबंध हम लोग जानते आ रहे हैं वही संबंध होता है यहाँ भी, हर जगह। आपके कहते हैं कि ये मेरे मामा जी है, तो किसको किसको? जिसके मामा है वो भी, और जो मामा है, दोनों को लाना पड़ेगा, दोनों को समझना होगा, तभी ना संबंध पता चलेगा। तो फिजिक्स तो हम लोग समझ चुके हैं, टेक्नोलॉजी क्या है यह जान लेना अति आवश्यक है, तभी तो हम दोनों में संबंध पता कर पाएंगे। अब जानता नहीं है ना ही, ध्यान से देखो, ये लड़का है आप में और मेरे में संबंध पता करना चाह रहा है। इस लड़के को मेरे बारे में भी जानना पड़ेगा, आपके बारे में भी जानना पड़ेगा, तभी हम दोनों के बीच का संबंध पता चलेगा, अदरवाइज संबंध पता नहीं चलेगा। सपोज डैट हमको जान रहा है और आपको नहीं जान रहा है, तो संबंध कैसा है मारे और आपके बीच पता नहीं चलेगा। अगर दोनों को जान गया तब कैसा संबंध है ये पता चल जाएगा। लॉजिक को पकड़ना, ठीक है? इसलिए कभी भी किसी के साथ अगर रिलेशन पता करना होता है, दोनों को जब तक जानेगा नहीं तब तक रिलेशन नहीं बता पाएगा, ठीक है? तो हमको फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच संबंध पता करना है। फिजिक्स को हम जानते हैं, ठीक है, फिजिक्स में थ्योरी आता है, ठीक है, उस थ्योरी से ही उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये मोबाइल बना लिए। मोबाइल फिजिक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी है। क्या है ये? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उत्पन्न कहाँ से होता है? फिजिक्स से। कहाँ से? फिजिक्स से। फिजिक्स का थ्योरी कहता है, बस उसी के अनुसार हम करने लगते हैं, हम चांद पर भी पहुंच जाते हैं टेक्नोलॉजी के मदद। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में संबंध स्थापित करना है, तो पहले टेक्नोलॉजी क्या है इसको जानना है, ठीक है? देखिए, तो पहला बात हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी क्या है, इसके बारे में हम लोग को जान लेना अति आवश्यक है। ध्यान से देखो बाबू, लाइटर देखे हो ना,
क्या रहता है लाइटर में? पत्थर रहता है। क्या रहता है? उसी को फ्रिक्शंस के कारण रबिंग होता है और चिंगारी मार के आग निकालता है। क्या पत्थर जामन तहाँ फेंका रहता है कि नहीं? पत्थर कहाँ, हर जगह पत्थर मौजूद है। उपयोगी वस्तु था पत्थर पहले, अनुपयोगी वस्तु था, और उपयोगी वस्तु था उसका यूज किए फिजिक्स का दिमाग लगाकर। फिजिक्स कहता है, फिजिक्स का थ्योरी, फ्रिक्शंस के कारण चिंगारी मार सकता है, समझ में रखने, यूज किए बना लिए लाइटर। अब वो जो पत्थर ऐसे पड़ा था जो उपयोगी वस्तु था, उसका अब हम लोग उपयोग करने लगे, उस लाइटर को 50 रुपया में बेचने लगे। कितने में बेचने लगे? पहले तो शुरू में 200 में बेचता था, क्योंकि धीरे धीरे लोग जान जाता है तो दाम घटता है चीज़ों का, तो 50 में भी बेचते हैं। उसका प्लास्टिक प्लास्टिक तो रहता है उसमें, कितना दाम होगा? 5 रुपया। अब जिस चीज़ से वो बना, सरकार उसका टैक्स ले लेता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए सरकार के पास पैसा आ जाता है। तो जिस देश का टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, वह देश उतना अमीर बनेगा। जिसने ये मोबाइल बनाया, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, अब सब खरीदता है, सबको जरूरी है, तो सबका कमीशन आ रहा है। जिस देश के लोग ने बनाया, वहाँ के सरकार को फायदा हो रहा है। आप जिस परिवार, छोटे स्तर पर सोचो, जिस परिवार से आप नौकरी करने लगेगा, तो आपके परिवार को फायदा होगा कि नहीं? उसी टाइप से हम लोग सब एक देश में है, एक देश का परिवार है। तो टेक्नोलॉजी, अब चीनी मिट्टी कप उप देखे है ना, बहुत सारा चीनी मिट्टी, चीनी मतलब चीनी खाने वाला चीनी ने, चीन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, चीन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का मिट्टी जो था वैसा मिट्टी इंडिया में भी बहुत है, लेकिन यहाँ के लोग को टेक्नोलॉजी पता नहीं था, बना के पूरा कमा लिया, फिर बाद में जाना बाद में बना के बेचता है। शुरू में पहले लोग खरीद लेता है, कमा लिया वो, फिर आप जब बेचने लगे वो दाम घटा देगा, फिर नया कोनो टेक्नोलॉजी ढूंढेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आपको टेक्नोलॉजी क्या है कि जो उपयोगी वस्तु है उसका उपयोग, उस वस्तु को उपयोगी वस्तु बना दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। ये क्या था? प्लास्टिक प्लास्टिक उपयोगी था, इसमें इंक तिंक डाल के इसको पेन बना दिया, दाम 30 रुपया। प्लास्टिक प्लास्टिक फेंका रहता है रोड पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज द टेक्नोलॉजी। क्या है पंखा में? लोहा तो आ तो है, इसका दाम 1500 होगा, 10 रुपया के जी बिकता है लोहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या है? टेक्नोलॉजी है, समझ में आ गया कि नहीं? तो देखते हैं पहले टेक्नोलॉजी किसको है कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल थिंग्स, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल थिंग्स बाय यूजिंग अन यूजफुल थिंग्स और मटेरियल, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल थिंग्स बाय यूजिंग अन यूजफुल थिंग्स और मटेरियल बाय द कॉन इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कहता है अउपयोगी वस्तु का उपयोग जब उपयोगी अउपयोगी वस्तु का
निर्माण लिख देते हैं, का निर्माण या वो उपयोगी वस्तु से जब उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, सब तकनीकी किसी ना किसी भौतिकी के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। क्या बोले? हाँ, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, हिंदी वाले यहाँ से इंग्लिश वाला जो है पैराग्राफ चेंज करके, यानी उपयोगी वस्तु से जब उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे पत्थर क्या था, उपयोगी वस्तु था, उससे क्या किए, उपयोगी वस्तु का निर्माण कर लिए, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, तकनीकी कहते हैं। सबके सब तकनीकी किसी ना किसी भौतिकी के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। जितना भी कुछ देख रहे हो, पेन भी है, क्या है उसमें बताइए, इलास्टिक प्लास्टिक सबका कुछ वैल्यू है जी? ऐसे बेकार होता है नहीं, लेकिन दाम ले लेता है 2 रुपया। कोई दिक्कत? यानी टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत? अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से देखो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटर लोगों ने बना लिया, फिर अब कंप्यूटर के मदद से पढ़ना लिखना थोड़ा और आसान हो गया, और ज्यादा पढ़ने लगा, उससे फिर नया फिजिक्स आ जाता है, पहले कम जानता है फिजिक्स, उससे आधारित एक टेक्नोलॉजी बनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वो टेक्नोलॉजी के दम पर और ज्यादा चीज समझने लगा आदमी, उसी से देख देख करके फिर नया फिजिक्स आ गया, फिर उस नया फिजिक्स ने फिर नए टेक्नोलॉजी का जन्म देता है, फिर नया फिजिक्स आएगा, फिर उसने फिर टेक्नोलॉजी, और दुनिया बढ़ते जा रहा है। और आज ये हाल हुआ, आज ये लोगों को पहले क्या था, बिना तार का एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल भेजना मुश्किल था ना, फिर रेडियो निकला, आवाज भाई भेज सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसी को देखते 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 उसमें स्टेशन पकड़वाना पड़ता था, उसी को देखते देखते मोबाइल बना दिया, फिजिक्स और आगे बढ़ गया, टेक्नोलॉजी को देखकर उससे मदद से फिजिक्स और आगे फिर बढ़ जाता है एक कदम, और फिर वो नया टेक्नोलॉजी दे देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरक है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे का पूरक है। नहीं, समटाइम्स फिजिक्स गिव्स टेक्नोलॉजी एंड समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स फिजिक्स।
कभी कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी दे देता है, तो कभी कभी टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स दे देता है। कंप्यूटर बनाया, पढ़ना लिखना कैलकुलेशन वगैरह करना कितना आसान हो गया, हो गया ना। कैसे बनाया? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके। अब जब पढ़ना लिखना आसान हो गया, जो ज़्यादा दिन में पढ़ता था लोग अब तुरंत पढ़ लेता है उस चीज़ को। अब फिर पढ़ लिया, दिमाग बढ़ जाएगा तो फिर नया चीज़ खोज दिया, मोबाइल बना दिया, अब फिर और कुछ बना देता है, नहीं कोई दिक्कत। तो हम लोग लिखेंगे अब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, लिखेंगे सम टाइम फिजिक्स गिव्स टेक्नोलॉजी एंड समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स न्यू फिजिक्स एंड देन न्यू फिजिक्स गिव्स अगेन न्यू टेक्नोलॉजी इट मीन्स फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कहेंगे कभी भौतिकी तकनीकी का जनन समझते हो ना, जन्म देना, जनन करती है तो कभी तकनीकी न्यू भौतिकी का जनन करती है और फिर न्यू भौतिकी पुनः न्यू तकनीकी का जनन करती है। इसका अर्थ है कि भौतिकी एवं तकनीकी एक दूसरे का पूरक है। अर्थात दोनों में क्या है, गहरा संबंध है, दोनों में गहरा संबंध है। ठीक है,
कभी भौतिकी तकनीकी का जनन करती है तो कभी तकनीकी न्यू भौतिकी का जनन करती है, और फिर न्यू भौतिकी पुनः न्यू तकनीकी का जनन करती है। इसका अर्थ है कि भौतिकी एवं तकनीकी एक दूसरे का पूरक है, नहीं कोई दिक्कत। जितना यूज करते हैं हम लोग सामान, सब किसी न किसी फिजिक्स के थ्योरी पर आधारित होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप पेन से ही लिख रहे, छोटा छोटा बड़ा बड़ा एग्जांपल लो, वो भी फिजिक्स के ही थ्योरी पर काम करता है, हैं? हाँ, वो भी फिजिक्स। हमको लगा घर्षण बोले आप, घर्षण पर ही काम करता है। को लगा कि आप घर्षण बोल रहे हैं, इधर हट जाता हूँ। तो वो फ्रिक्शन अगर नहीं रहता पेन और कॉपी के बीच तो फिर वो लिखाता नहीं। तो अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी का दो चार गो नाम बताइए। देखिए मोबाइल फोन, ये सब एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ बैठे हैं, घर में तुरंत वीडियो कॉलिंग हो जाता है, खुशी मिलता है कि नहीं? बहुत खुशी मिलता है। आप बैठे हैं, पहले के लोग क्या करता था, एक नौकर रखता था बड़ा ऐसा हैंड फैन लेके, हैंड फैन भी फिजिक्स का ही देन था, वो हाथ से। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर नया नया फिजिक्स भी आते गया टेक्नोलॉजी के दम पर, फिर ये अभी फैन चल रहा है, ये भी फिजिक्स ही है। तो रिलेशन हम लोग देख लिए बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, भौतिकी एवं टेक्नोलॉजी में संबंध। सम टाइम फिजिक्स गिव्स टेक्नोलॉजी एंड सम टाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स न्यू फिजिक्स एंड देन न्यू फिजिक्स गिव्स अगेन न्यू टेक्नोलॉजी। इट मीन्स फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कभी भौतिकी तकनीकी का जनन करती है तो कभी तकनीकी न्यू भौतिकी का जनन करती है, और फिर न्यू भौतिकी पुनः न्यू तकनीकी का जनन करती है। ऐसे चलते रहेगा, नहीं? अभी तो हम लोग चांद पर ही पहुंचे हैं, और कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अभी तो हम लोग हवा में ही घर बनाए हैं, हवा में यहां से 3200 किलोमीटर दूर पर, जैसे ये घर है ना उसी टाइप से घर है, हवा में, कोई पिलर पालर नहीं है कि यहां से पिलर देकर वहां घर बनाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ पिलर नहीं, हवा में सब कुछ पड़ोगा। अभी स्पेस स्टेशन बना लिया है, वहां रहता है लोग। जब रेल निकला था ट्रेन, बाप ने सोचता था इतना आदमी के एक साथ लेके जाएगा। ऐसा सब विमान है कि यहाँ से लड़ाकू विमान सब जो है उसका जानते हैं स्पीड कितना है? देवघर जानते हो? देवघर यहाँ से देवघर जाएगा 5 मिनट के अंदर मार के आ जाएगा वहां से, यहाँ 5 मिनट में, इतना स्पीड रहता है। 21,000 किलोमीटर पर आवर रहता है स्पीड। कैलकुलेशंस किए थे एक बार, जब पाकिस्तान में बम गिराया था ना, तो लोग सोचता है कैसे तुम यहीं बैठे हो, 5 मिनट के अंदर जाएगा ध्वस्त करके, पूरा तबाह करके यहाँ आ जाएगा। ये सब किसका है? टेक्नोलॉजी। कहाँ से आता है टेक्नोलॉजी? फिजिक्स पढ़ने से। कहाँ से आता है? और जो कहते हैं ना कि सेना नहीं रहेगा तो देश गुलाम हो जाएगा, लाठी देके भेज दो ना उसको, कैसे डरता है हमारे देश से? टेक्नोलॉजी से डरता है लोग। किससे डरता है? हथियार अगर नहीं रहा, हथियार कौन बनाया? फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट पर बना है। वो जो विमान सब देख रहे हो सब किस किस से? फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट से बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना इम्पोर्टेंस है फिजिक्स का हमारे लाइफ, ठीक है? हमारे समाज से अगर फिजिक्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा बोलो? कैसा दुनिया तुमको दिखेगा? एक घर भी नहीं बना पाओगे, कुछ भी नहीं, एसी फेसी जो भी कुछ देख रहे हो सब फिजिक्स है, ठीक है? तो एक चीज और भी है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड सोसाइटी, समाज एवं भौतिकी में संबंध। अब इसमें हम लोग दोनों चीज जानते हैं,
समाज भी किसको कहते हैं, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं। समाज को क्या क्या चाहिए, अच्छा से जीना चाहता है समाज, यही ना चाहिए, बोलो। अच्छे से जीने के लिए अच्छा अच्छा सामान चाहिए उसको, सुविधा, सब सुविधा प्रोवाइड करता है कौन, फिजिक्स। कहे कि फिजिक्स ही टेक्नोलॉजी देता है, उसी के सिद्धांत से आता है टेक्नोलॉजी। तो अब नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड सोसाइटी। फिजिक्स और सोसाइटी का क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है, पता ही है, संबंध ही संबंध है। नहीं रहेगा फिजिक्स तो दुनिया एकदम बौना लगेगा, गाड़ी भी नहीं मिलेगा एगो चढ़ने के लिए, कैसे यहाँ आइएगा, समझ में आ रहा है, बेंच डेस्क जो है ना वो भी नहीं मिलेगा, घर मकान कैसे होगा, सब तो फिजिक्स पढ़ पढ़ के इंजीनियर बना है, टेक्नोलॉजी तो है, समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मोबाइल भी नहीं मिलेगा, एक बर्तन कैसे बनाया है वो भी मशीने से बना है, सब तो फिजिक्स है। मेडिकल साइंस से निकाल दो फिजिक्स को, निकाल दो, ऑपरेशन करने के लिए ब्लेड नहीं मिलेगा उसको, जितना सब उसमें बताए हैं, जितना इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप नहीं रहता फिजिक्स नहीं देता, नहीं बनाया रहता, टेक्नोलॉजी नहीं आता माइक्रोस्कोप का, फिजिक्स से ना आया जी, तो बायोलॉजी एक कदम किसको सेल करता ये तक पता नहीं कर पाता हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रभाव फिजिक्स का है सोसाइटी पर, इसलिए संबंध है। तो लिखिए, समाज एवं भौतिकी में संबंध, लिखिए, फिजिक्स गिव्स टेक्नो लॉजी व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर आवर सोसाइटी। फॉर इजी लाइफ, ठीक है, लिखेंगे भौतिकी तकनीकी का जनन करती है, जनन करती है, जो समाज के लिए बहुत उपयोगी, समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, एंड मेक्स वेरी इजी लाइफ। बहुत की तकनीकी का जनन करती है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है एवं यह जीवन को आसान बना देता है, आसान बना देता है। नहीं तो पता चलता है कि गाड़ी नहीं है, पैदले पैदल, जंगले जंगल, समझ में आ रहा है ना, आ फिर गंगा जी मिल जाता अगर उस पार से आता तो भागलपुर अभी नहीं पता, समझ में आ रहा है कि नहीं। वही कहते हैं भौतिकी तकनीकी का जनन करती है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है, समाज के लिए
बहुत उपयोगी है, यह जीवन को आसान बना देता है। समझ में आ रहा है ना? अर्थात भौतिकी का रिश्ता, ये भी लिख सकते हो, अर्थात भौतिकी का रिश्ता समाज से बहुत अधिक है, बहुत गहरा है। यानी भौतिकी का जो रिश्ता है समाज से बहुत गहरा है, इसके बिना समाज अधूरा है। समाज का देने का मतलब सब कुछ आ गया, SP DM कलेक्टर टीचर, समझ में आ रहा है ना? सेना उना सब सबको जरूरी है कि नहीं, बोलिए। हम भी बिना फिजिक्स का पढ़ा पाएंगे? बोर्ड लाइट बत्ती बेंच डेस्क AC कूलर मोबाइल सब कुछ चाहिए कि नहीं, पढ़ा पाएंगे? सेना बिना फिजिक्स से लड़ पाएगा? डंटा लेके लड़ो लड़ पाएगा? उपरेत बम गिरा देगा, समझ में आ रहे ना? वैसा खतरनाक सब हथियार बनाना, ये सब क्या कर रहा है? फिजिक्स ही करता है। तो समझ में आ गया इसको? अब एक लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का, इसको पढ़ा दिए थे, एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। भौतिकी में उत्तेजना, उत्तेजना समझते हैं? खुश हो जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं? खुश हो जाना वही है एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। भौतिकी में उत्तेजना, केवल उत्तेजना ही उत्तेजना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कैसे वीडियो कॉलिंग हो रहा है, ये चलाना नहीं, मोबाइल चलाने नहीं जानते जी, ये बटन दबाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं समझे? हुआ क्या किया वो जानते हैं? इसके पीछे क्या फिजिक्स है? नहीं जानते हैं। अगर यह पता चल जाएगा तो खुश हो जाइएगा। तो भौतिकी को पढ़, भौतिकी में लोग बहुत अलग अलग तरह से उत्तेजित होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना उत्तेजना है कि लिखते जाओगे 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा। कोई बेंच पे बैठकर उत्तेजित हो गया, वाह कितना सुंदर बना है, वो भी फिजिक्स था। कोई पेन से कॉपी में लिख करके हो गया, बच्चा भी उत्तेजित हो जाता है, रिमोट वाला गाड़ी से चौंपता है, यहाँ इधर उधर करता है, सोचता है क्या हो रहा है, घर में यहाँ बैठा है TV पटाख से सौंपता है, देखता है बदल जाता है, आखिर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? कोई मोबाइल का बहुत सारा नया नया एप्लीकेशन होता है उसको यूज करके उत्तेजित हो जाता है। कोई कोई थ्योरी समझ लिया कि कैसे पृथ्वी घूम रहा है सूर्य के चारों ओर, वो देख करके उत्तेजित हो जाता है। नहीं, कोई सीख लिया ये फैन कैसे चलता है भाई, क्या क्या थ्योरी है इसका, उसके बारे में अगर जान गया वो सीख करके उत्तेजित हो जाता है। एकदम नन्हा सा बच्चा स्विच जैसे ऑन करता है फैन घूम जाता है, तो सोचता है कैसे घूमा, खुशी मिल जाता है उसको, समझ में आ रहा है? कोई देखता है रेनबो आसमान में 7 रंग का दिखाई दिया, वो देख करके कोई को खुशी मना लेता है। कोई देखता है कि बाप रे पानी में उतनी बड़ी जहाज कैसे चल रहा है, उतनी बड़ा भागलपुर है, इतना बड़ा बड़ा जहाज जितना बड़ा भागलपुर है कैसे चल रहा है, वो देख के खुशी मना लेता है। कोई देखता है कि इस तरह का मकान है गिर नहीं रहा है, इस तरह का मकान है गिर नहीं रहा है, वो देख के खुशी मना लेता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कोई क्रिकेट खिलाड़ी फिजिक्स का यूज करके शॉट जब लगाता है, यानी उसको अगर फिजिक्स लगाता है, फिजिक्स का थ्योरी कहता है अगर 45 डिग्री पर मारोगे किसी भी चीज को, ठीक है, बहुत दूर जाके गिरता है, वह यूज करके वो अच्छा बड़ा लंबा छक्का मार देता है तो उसको खुशी मिल जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी बहुत प्रकार से लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ा हाई लेवल के लोग
साइंटिस्ट कुछ नया चीज़ खोज लेता है उससे खुशी मना लेता है। जैसे हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से किसी को समझा देते हैं तो खुश हो जाता है। यानी हर एक आदमी हर एक तरह से खुश होता है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इस टॉपिक में हम जो लिखेंगे अपना खुशी लिखेंगे, आप कैसे खुश होइएगा तो वो लिखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। खुशी मिलता है कि नहीं, बहुत कुछ। हीटर में खाना बनाते हैं खुशी मिल जाता है, धुआं भी नहीं किया आराम से बना लिए खाना, वो भी फिजिक्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फिजिक्स जो है ना उत्तेजना से भरा, रोचकता से भरा, इंटरेस्ट से भरा हुआ सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत तो दो चार को खुशी लिख लो, ठीक है। एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, इन डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट पर्सन। विभिन्न आदमी के लिए भौतिकी में उत्तेजना भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। जो हम लिखाएंगे वही दूसरा लिखाएंगे, वही तीसरा लिखाएंगे, ये टॉपिक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या, इतना सारा चीज़ इसमें लिखाने का है ना कि लास्ट में ETC लगाना पड़ेगा, तो दो चार ठो लिख के हम लोग निकल जाएंगे। सेंस तो समझ में आ ही गया, पहला लिख देते हैं, सम पर्सन गेट्स एक्साइटेड बाय सी रेनबो इन द स्काई। कुछ आदमी को सुंदर सुंदर चीज देखना होता है, हम उस सबसे खुशी नहीं मनाते हैं, ठीक है। हम वो जो 5 मिनट में मार के गिरा के आ गया ये सब चीज़ देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो मून पर गया कैसे गया, कि सब कुछ तो समझ में तो आता ही है। स्पेस में जो ना स्पेस की चीज़ें को हम ज़्यादा समझते हैं और हमको खुशी मिलता है। हाँ, तरीके तो सम पर्सन गेट्स एक्साइटेड बाय सी रेनबो इन द स्काई। कुछ आदमी आसमान में रेनबो, मतलब इंद्रधनुष, सतरंगी जो होता है, इंद्रधनुष को देखकर उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। सम पर्सन गेट्स एक्साइटेड बाय यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन इन ऑन मोबाइल कुछ न दाढ़ी नहीं है तब फिर भी लगा देते हैं कि नहीं, बोलिए। वो सब एप्लीकेशन जब हम लोग यूज करते हैं कितना अच्छा लगता है, देखने में सुंदर नहीं है, फोटो इतना ब्यूटीफाई कर देते हैं नहीं, तो वो मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है उसको यूज करके कोई खुशी मना लेता है,
ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर लिया, देख लिया, तो वो उससे देखकर खुशी मना लेता है। तो ये भी लिख रहे हैं, कुछ आदमी अपने मोबाइल में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन ही समझता आजकल के डेट में, प्ले स्टोर पे जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो ने। कुछ आदमी अपने मोबाइल में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस का उपयोग करके खुश हो जाता है, उसी को कहते हैं उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। सम पर्सन गेट्स एक्साइटेड बाय सी या फ्लाइंग एरोप्लेन, इन द स्काई कुछ लोग आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर उत्तेजित हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत कुछ है केवल और के, आप भी कभी खुश हुए होंगे किसी चीज को देख के, वो उसमें फिजिक्स से था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कुछ लोग साइंटिस्ट टाइप का लोग, न्यूटन ने सेब नीचे गिरते हुए देखा, बहुत खुश हो गया। बोलो, नीचे न्यूटन ने सेब को नीचे हुए नीचे गिरते हुए देखा, बहुत खुश हो गया और फिजिक्स बना दिया, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए ऑल आदमी ऑल टाइप से खुश होता है, इसलिए ये चीज किसी का मिलेगा भी नहीं। टीचर बदलेगा, खुशी बदल जाएगा, स्टूडेंट बदलेगा, खुशी बदल जाएगा। अपना लिख दीजिए, आप किस में खुश होते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि अच्छा थ्योरी समझ लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। ये फिजिक्स कह रहा था ये चीज़ ने, जिस दिन थ्योरी समझ लेंगे कि ये फैन कैसे काम करता है तो आप खुश हो जाइएगा। जिस दिन आप समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे घर में पढ़ लेते हैं, तो वो भी खुश हो जाइएगा। यानी सो मैनी वे फॉर एक्साइटिंग इन फिजिक्स, बहुत तरीका है फिजिक्स में एक्साइटिंग होने का, उत्तेजित होने का। अलग अलग आदमी अलग तरीका से एक्साइटेड होता है, नहीं किसी को करंट लगता है, सस्ता कर इतना जोर का झटका लगता है, खुशी हो जाता है, खुशी मिलता है, नहीं कोई अच्छा बाइक चला कर खुश हो जाता है, वो भी फिजिक्स है। यानी फिजिक्स से ही दर्शन होता है आपको, जो चीज़ आप नया देखिएगा, क्योंकि आपकी उम्र कम है, जब हम मोबाइल देखे थे नया, हम लोग के ज़माने में बचपन से मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो 2010 के बाद से धीरे धीरे आया, ये भी है बड़ा वाला मोबाइल नहीं, छोटा मोटा बात करने वाला नहीं, तो किसी किसी के पास रहता था ना, वो पॉकेट में नहीं रखता था, हाथ में लेके चलता था, पता नहीं झूठो करता था, हेलो नहीं लगते, हम लोग देखते थे ना, लगता था बहुत बड़ा आदमी है, मोबाइल है, तब हम भी खरीदे जाके, नहीं समझे, हमको याद है कि चाइना मोबाइल खरीदे थे, सस्ता देता था, कैमरा वाला मोबाइल फिर चला, कैमरा है केवल फोटो खींचता था, वो भी अच्छा नहीं,
समझे ना, एकदम बेकार आज का थर्ड क्लास का मोबाइल जो खींचता है वैसा कैमरा वाला मोबाइल है, प्रचलन चला बस हम खरीद लिए। अभी तो 64 GB देता है ना, उस समय जो हम खरीदे थे मात्र MB था उसमें, GB ने 125 MB का था समझे। 125 MB का जो था 4-5 गाना अगर उसमें लोड करके रखते थे फुल हो जाता था, कोई जैसे आया रिंगटोन लगा करके जाते थे ट्यूशन कि देखिए मेरे पास मोबाइल है ना, समझे। सोचता था कि कैमरा वाला मोबाइल है, ऐसा लोग सोचता था उस समय, इतना इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे आज कोई मोबाइल को पूछता है, नया नया चीज निकलते जो, पहले का जो हवाई जहाज तब था इतना स्पीड चलता था, अभी तो बहुत है। पहले नेट गई, अभी अभी कितना स्पीड है, इतना स्पीड है ना 4G, यही कितना दिन हुआ, 1-2 साल हुआ है आने से। उससे पहले एक बार जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ना होता था गूगल पे, देखिए ज्ञान कहाँ से आता है, हर जगह से ना, कोई चीज़ दिए हैं अभी अभी थोड़ा 2-3 घंटा कब निकलेगा कोई ठार नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम होता था, तो जो 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 चीज़ आपको नया लगेगा आप उसमें खुश होइएगा। उस समय लोग जब पहली बार साइकिल बना तो उस समय भी लोग उतने खुश हुआ था, देखने के लिए ताता लगता था। जो साइकिल बनाया था जो साइंटिस्ट जो साइकिल बनाया था वो अगर कहीं से गुजर जाता था, सुनना एक मिनट गहराई वाली बात, किधर से गुजर जाता था भीड़ लग जाता था उसको देखने के लिए। लेकिन आज साइंटिस्ट आ भी जाएगा ना भीड़ नहीं लगता है, लेकिन कोनो सलमान खान आ गया तब देखो भीड़। उद नौटंकी करता है, क्या करता है वो, अभी नहीं लगेगा वो नहीं करें, वो नौटंकी करता है। ध्यान से देखिए, एक्टर को क्या कहते हैं, नायक। ये नौटंकी करता है, क्या करता है वो, नौटंकी बाज करता है, लगता है कि नहीं आश्चर्य। वो सबको एक एक गोली मार देता है, उसको 50 गोली लगता है जिंदे रह जाता है। रियल में ऐसा होता है क्या, असली सेना तो मेरा वहां लड़ता है। तो आजकल के लोगों का वो भी अभी देखते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा फिल्म बनाया सलमान खान, घोड़ा से उड़ गया, पूछो ना उड़ता उड़ता है, सब फिजिक्स का नया नया टेक्नोलॉजी यूज करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखने में अच्छे मान के चलिए हम अच्छे नहीं है देखने में, एक मिनट के लिए मान लेते हैं अच्छे नहीं है देखने में, या इतना सुंदर कैमरा से खींचेंगे कि बहुत सुंदर दिखेंगे कि नहीं। वैसा सभी फिजिक्स के टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, फिजिक्स आते जा रहा है। पहले ढोल बजाता था हाथ से, अब ऐसा वो भी फिजिक्स से था, वो भी ये सब फिजिक्स 11th में ही पढ़ लोगे। लेकिन अब जो है वो ड्रम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण से हो रहा है, वो भी फिजिक्स है जो 12th में पढ़ोगे एसी करेंट में। तो फिजिक्स फिल्म का लेवल नहीं बढ़ रहा है, नहीं समझे है, बढ़ किसका लेवल रहा है, साइंस का लेवल। साइंस का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा सभी लोगों का भी लेवल बढ़ते चला जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर निकाल दो वहाँ से, ये भी क्वेश्चन है लेकिन NCERT में नहीं है इसीलिए नहीं बता रहे हैं, अगर निकाल दो वहाँ से फिजिक्स को, जो लाइटिंग मारता है ना भोग भोग, कुछ मिलेगा, एडिटिंग जो करता है ये करता है, क्या मिलेगा उसको, कौन देखेगा, उतना सुंदर नहीं रहता है जितना सुंदर दिखता है पर्दा पर, जितना सुंदर पर्दा पे रहता है ना। और सब तो नाटक करता है, वो भी नाटक को हकीकत में दिखा के बुड़बक बना देता है हम लोगों को, कैसे फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करके, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम इस बार लॉकडाउन में इसे सर्च कर रहे थे, करते करते फिल्म दुनिया में चले गए, क्योंकि बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। देखे हीरोइन एकदम चला रहा है गाड़ी, और साला डबल स्टैंड पर बुलेट बैठा बैठ गई है डबल स्टैंड पर, और उधर से पंखा लगा देता था, और बाल उड़ रहा है पूरा, और झूठे ऐसे कर रहा है, और कोई पीछे से उसको हिला रहा है। उसके बाद हम देखे एक ट्रक था और बाइक से टकराया, ऐसे गया टकरा के रिकॉर्ड कर लिया, बाद में उसमें आवाज मिलाता है झनर झनर, तो कैसे मिलाया, एक नहीं होता थाली उली ले करके और एक बजाने वाला तन मारा, तब वो आवाज़ है। वो जो ट्रक और बाइक टकराया वो भी आवाज़ नकली है,
यानी सब चीज देखे तो वो नकली है था। उसके बाद हीरो जो मारा फाटियाँ खून देती, खून नहीं है वो, वहाँ पहले से लाल था। मारता है तो गर्दा उड़ता है, वहाँ से जैसे पंप लगता है प्रेशर वाला है तो पत्ता उड़ जाता है। समझ में आया? कुछ भी चीज असली हमको दिखाए नहीं, हम लोग हम सोचे कि करता आखिर तब क्या है ये सब, नहीं देखता है हीरो सब यहाँ से आया गाड़ी उड़ा के पार कर देता है मंजिल। होता क्या है, रस्सी बांध देता है, रस्सी बांध देता है और उसी रस्सी से जेसीबी से इधर से उधर करवा देता है, उसको लगता हवा में उड़ा। यानी कुछ भी चीज असली नहीं है। और आजकल का जो बच्चा है समझ नहीं पाता है सही से, वो सोचता है बाप रे बहुत बड़ा आदमी है, सब कुछ नकली है, सब कुछ नकली है, कुछ भी असली नहीं है, एकदम नकली दिखाता है वो। कहले पता नहीं चलने देता है कि नकली है, लगेगा असली है, पते चल गया फिल्म देखेगा कोई नहीं। इसलिए ये सब चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए आदमी को। अट्रैक्ट किससे होना चाहिए? साइंटिस्ट से। पहले साइंटिस्ट हीरो हुआ करता था, हीरो मतलब क्या, उसको देखने के लिए ललायित रहता था लोग। लेकिन आज भूल गया है, आज बहुत कम लोग है जो उसे देखना चाहते हैं। आज हीरो कोई आ जाए, इवन कि भोजपुरी है क्यों नहीं हो, एह पूरा देखने के लिए म्यूजिक सिस्टम निकाल दो ना, फिजिक्स जो दिया है ओरिजिनल, जो जो डीजे तीजे बजा लेता है बढ़िया से, गाता है अच्छा, नहीं सब अच्छा गाता है क्या, म्यूजिक से उसको सुधार लेता है, ठीक है। तो ये सब बात है, यानी दुनिया बढ़ेगा जब तक फिजिक्स नहीं बढ़ेगा, दुनिया किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं सभी चीज आके कंसंट्रेट है किस पे, फिजिक्स पे सभी चीज, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब